गाइज, आप लोगों ने क्रिएट किया काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक, काफ़ी अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक कोइंसिडेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन गाइज, आज के वीडियो में आपको ऐसे कोइंसिडेंस के बारे में बताने वाला हूँ जो क्रिकेट की हिस्ट्री में अभी तक हुई है, जिसे बिलीव करना शायद आपके लिए नामुमकिन सा होगा और आप उसमें बिलीव भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप उसे जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था और उस मैच में साउथ अफ्रीका बैटिंग करी थी, उन्होंने जीत के लिए चाहिए थे लगभग 111 रन। अगर ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, लेकिन गैस इस वीडियो का अमेजिंग बात तो ये है कि गैस उस मैच में जो डेट था वो था 11/11/11, यानी 11 नवंबर 2011, और गैस उस वक्त जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था 11:11, यानी 11:11, और गैस उसी एग्जैक्ट टाइम पे साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए थे 111 रन। मतलब आप समझ रहे हो कितनी ज़्यादा अमेजिंग बात है, 11:11:11 को, मतलब 11 नवंबर 2011 को 11:11 में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए था 111 रन। और गैस एक और अमेजिंग बात तो ये है कि उस टेस्ट मैच में एक दिन में ही चारों के चारों इनिंग्स खत्म हो गए थे, जो कि शायद क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कभी ऐसा हुआ हो। और इसी सब रीजन की वजह से उस टेस्ट मैच को नेल्सन टेस्ट मैच का नाम दिया गया था, जो कि नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया था। सो अगर इतने से भी आपका मन ना बढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि उस मैच में जो ओवरऑल रन रेट था वो भी 11 था, और तो और जो साउथ अफ्रीका को जीत के लिए टारगेट दिया गया 236 रन की टारगेट थी, अगर आप उसे डिवाइड करके, मतलब उसे अगर तोड़ तोड़ के ऐड करोगे, यानी 2+3+6, तो वो भी 11 आएगा। और उस मैच में जो ओवर बचा था वो भी 83 ओवर बचा था, और 83 को अगर आप तोड़ के ऐड करोगे तो वो भी 11 आएगा। सो गाइस, आपको क्या लगता है, इस कोइंसिडेंस को क्रिकेट के सबसे अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस की लिस्ट में आना चाहिए या नहीं? और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता है, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस फैक्ट के बारे में पता था या नहीं। मुझे कमेंट में ये बताना कि आपको अगला वीडियो कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक अगला वीडियो चाहिए मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट।